हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और ये जो है वो रात का ब्लॉग है। और अभी रात में ज़्यादा कुछ मुझे बनाना नहीं है, क्योंकि सुबह का थोड़ा थोड़ा बहुत सारा कुछ बचा हुआ है, इसलिए मैं जो है अभी सिर्फ रोटी ही बना रही हूँ। और ये जो है हमारा कुछ 4-5 रोटी मैं बनाऊँगी, उसके बाद फिर हमारा जो है वो खाना बन जाएगा, क्योंकि रात की सब्जी है तो उसे थोड़ा सा गर्म कर लूँगी। और दाल है बचे हुए तो हो जाएगा, मंचूरियन है बचा हुआ तो हम लोग का तो हो जाएगा, बस इतना ही में। तो यहाँ पे फटाफट मैं रोटी सेक ले रही हूँ। और तो ये जो मंचूरियन है, इससे बाबू और रुद्राक्ष का हो जाएगा। और ये रात का लास्ट काम बचा हुआ है कि दूध से मलाई निकाल करके इससे मैं मक्खन बना लूँगी, और जो बचा हुआ जो दूध का वाला पानी रहता है तो उससे मैं चाय बना लेती हूँ। तो मक्खन मैं रोज़ का रोज़ ही बना लेती हूँ, फिर मुझे बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है तो मुझे बहुत आसकत लगता है, इसकी वजह से मैं रोज़ का रोज़ ही बना लेती हूँ और जल्दी से हो जाता है काम ये। और मलाई स्टोर करने से ज़्यादा बेटर मुझे मक्खन स्टोर करना रहता लगता है, तो इसलिए। और ये जो पानी बचा है इसे मैं मॉर्निंग में चाय में बना लूँगी, और अभी मैं बना रही हूँ, मॉर्निंग का है। और मैं बना रही हूँ कार्तिक के लिए लंच। और ये जो आलू है वो पीला क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं कल दाल के साथ बॉईल की थी और आज मैं कार्तिक को दे रही हूँ चीज पराठा। तो इसके लिए एक आलू है, और इसमें पेरी पेरी मसाला मैं डाल रही हूँ, थोड़ा सा स्पाइसी अच्छा लगता है, क्योंकि चीज जो है वो उसमें थोड़ा सा स्पाइसी अच्छा लगता है। और नमक, बस और कुछ नहीं डालूँगी मैं, बस इतना ही सफिशियंट है। तो इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। तो थोड़ा सा मुझे नमक कम लगा था तो थोड़ा और नमक डाल करके इसको अच्छे से मैश करके इसका पराठा बना लेंगे। और कार्तिक का आज लंच में यही जाएगा, पराठा, चीज पराठा, आलू और चीज पराठा और सॉस।
ये मस्त सा आलू चीज पराठा तैयार है। बस इसे लंच बॉक्स में पैक करूंगी और उसके बाद फिर किचन थोड़ा गंदा हो रहा है तो मैं काम करते जाती हूँ और साफ करते जाती हूँ, दोनों मेरा साथ साथ चलते जाता है। तो यहाँ पे बस साफ मैं कर दे रही हूँ क्योंकि गंदे किचन में जो है स्लैब लब गंदा रहता है, तो फिर ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी भी मेरा काम ही नहीं हो रहा है। तो दूध आ गया था तो बस दूध मैं बॉईल करने के लिए चढ़ा दे रही हूँ और इधर ये सारा स्लैब वगैरह सब पोछते रही हूँ क्योंकि हमारा नाश्ता जो है वो बन चुका है और हस्बैंड भी नाश्ता करके ऑफिस जा चुके हैं। और यहाँ पर जो है वो मैं बना रही, मतलब मेरा किचन स्लैब उलब सब साफ हो गया है। तो यहाँ पर जो है अच्छे से एक बार और पोछ ले रही हूँ ताकि जो आटा उटा का जो बर्तन वगैरह है वो ना रहे, क्योंकि बहुत गंदा लगता है। और ये देखिए इधर से भी मैं पोछ ले रही हूँ तो हटा हटा के अच्छे से। और ये जैसे जैसे मेरा खाना बनते जाता है वैसे हूँ वैसे मैं पोछते भी जाती हूँ। थोड़ा लग जाता है टाइम, मतलब 2-4 मिनट ज़्यादा लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काम जो है उसके बाद स्पीड से होता है, साफ रहता है। तो ऐसे समझ में नहीं आता है कि कहाँ क्या हो तो इसकी वजह से। और आलू बैंगन की सब्जी और करेला का भुजिया बनाई थी मैं, तो वही मैं निकाल कर के रख दे रही हूँ। बस अब दोपहर के खाने को दाल चावल सिर्फ बनाना है, बाकी ये सब जो है वो उसी सब में हो जाएगा। तो इसको भी मैं निकाल करके रख दे रही हूँ और उसके बाद दूध भी हमारा जो है वो बॉयल हो गया है, तो बस दूध भी मैं जो है उसे ढक करके और रख दे रही हूँ। तो ये दूध हमारा हो गया है और किचन पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है। अब चलती हूँ कपड़ा लगाने के लिए, वॉशिंग मशीन में कपड़ा लगाया हुआ है तो उसे मैं धो दूँगी और फिर मिलूँगी आपसे। तो यहाँ पे मिठाई आया हुआ था, ये जो है क्या कहते हैं इसे इसे सोन पापड़ी, हाँ तो ये। और अब सीधे मैं मिल रही हूँ आपसे शाम के टाइम में। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है कैमरे के पीछे बाबू है और ये मेरा कपड़ा जो है वो सूख चुका है और शाम हो गया है। मैं लगता है 11 बजे के लगभग मैं इसे फैलाई थी और बहुत गर्मी है आजकल, तो कपड़ा तो ऐसे भी 2 घंटे में ही सूख जाता है, लेकिन 2-3 ट्रिप मुझे कपड़ा धोना पड़ा क्योंकि कई दिनों के बाद धोई थी मैं और तबीयत भी थोड़ी ख़राब लग रही थी तो इसकी वजह से नहीं धोई थी मैं। तो बस तो पूरे दिन का ये एक लास्ट काम बचा है तो वो मैं कर लेती हूँ और यहाँ पे कपड़े भी उठा करके फिर अच्छे से समेट करके रख दूँगी, नहीं तो ये पड़ा रहता है तो फिर इधर उधर मारा फिरता है। और अगर तुरंत ही मैं अगर इसे समेट लूँ तो ज़्यादा असकत फिर नहीं होता है, तो इसकी वजह से मेरा क्या रहता है कि तुरंत के तुरंत ही कपड़े मैं उठाऊँ और फोल्ड करके रख दूँ। और अभी रात का हमारा खाना पीना सब हो चुका है, वो मैं रिकॉर्ड नहीं की हूँ, तो खाना पीना सब हो गया है और बस अब जो है वो सोने की तैयारी है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बस कपड़ा समेटूंगी उसके बाद फिर सो जाएंगे। बस एक लास्ट काम बचा है रात का, तो फिर मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग में। और ये बाबू मेरी हेल्प कम करवा रहा है और कपड़ा ज़्यादा फैला रहा है, देखिए दिया के सामने नाच वाच रहा है सब। तो आपसे मिलेंगे फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हम दोनों माँ बेटे का मस्ती ये चलते रहता है, कभी इधर करता है कभी उधर चलता है कभी उधर चलता है, मन लगा रहता है घर में। और स्कूल चला जाता है तो लगता है कि 3 घंटा 4 घंटा कितना लंबा टाइम हो गया जैसे, तो मज़ा तो आता है
लेकिन बदमाशी भी बहुत करता है, हर एक काम में लेट भी वैसे ही करवा देता है। तो फिर मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।